चलो वी आर लाइव, कम ऑन, थैंक यू. सो वी आर बैक टू आवर इंटीग्रेशन क्लास 101 ऑफ कैलकुलस. सो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे याद है किसी को? लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे एक्स वन अपॉन कुछ, हम लोग इंटीग्रेशन के, यस इनवर्स के हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे. तो आई थिंक मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें समझा दी थी, कुछ कुछ समझानी है बाकी. चलो शुरू करें. कहाँ गया यार? यस सर, डाउट्स सर लेंगे 3.2 के, अभी अभी लेंगे और डाउट्स. कम ऑन एक्सरसाइज 3.2A डाउट्स. या लेट अस गो. क्वेश्चन नहीं किए थे, खाली बताए थे, डजंट मैटर. अच्छा ठीक है, चलेगा. 3.2 के डाउट्स, कम ऑन फास्ट, फटाफट बताओ. शूट, 13th क्वेश्चन नंबर 13. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 13, रूट ऑफ टैन एक्स डी एक्स बाय साइन एक्स कॉस एक्स. होपफुली आप सब लोगों को आधे साड़ी मिल गई, कुछ ना कुछ बुक मिली या नहीं मिली? नाम मत बोलना. हाँ थैंक गॉड. हाँ उसने एक ने हाँ बोल दिया, मतलब हाँ सबको मिल गई. थैंक यू. ऑल राइट, इसको करना इंटीग्रेट. ठीक है, साइन एक्स में कन्वर्ट करते हैं उसको, तो क्या आएगा? रुको, इसको बेटर हम क्या कर सकते हैं? यस हम ये करेंगे इसमें. चलो एक नया टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया. इसको क्या करो, कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करो, तो अंडर रूट टैन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स. तो बेटा ये क्या होगा? या साइन एक्स बाय कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, या वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, sec square x dx by root tan x dx. tan x is equals to t, sec square x dx equals to dt. ठीक है, तो ये क्या है, t की पावर माइनस हाफ. तो आ गया t की पावर माइनस हाफ प्लस हाफ. टू t की पावर हाफ प्लस सी. t क्या है तुम्हारा, व्हाट इज t, tan x.
नेक्स्ट क्या है 16th. हो गया 14th को 14th. जादू की छड़ी मेरी घूमी और ये आया नीचे 14 क्या है अब? ऐसे मैंने तुम्हें समझा दिया है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ इसको, मैं आगे के जो नॉलेज है उसको भी यूज कर सकता हूँ. तो बेटा इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे लगा दो कलयुग का फॉर्मूला. कलयुग का फॉर्मूला लग गया, कलयुग का फॉर्मूला लग गया, दो घराने हमने तोड़ दिए हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर क्या हो गया? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर. ओके नाउ व्हाट यू विल डू? बेटा ये तुमने कहीं देखा है? हाँ तुमने देखा है, इसको बोलते हैं टैन इनवर्स एक्स. ठीक है, यहां क्या करोगे? यहां पे वही करो जो कि तुमने बचपन में कभी किया नहीं. क्या नहीं किया बचपन में तुमने? एक्स स्क्वायर प्लस वन को कभी टी नहीं रखा तुमने, इस वजह से आज तुम मुझसे पूछ रहे हो कि 2xdx इक्वल टू dt कैसे हुआ. तो इसको यहाँ पे रख दो, तो यह आया तुम्हारा dt by t स्क्वायर का इंटीग्रेशन. तो आया बेटा क्या है? काम खत्म बेटा. tan इनवर्स x माइनस t की पावर माइनस 2, तो t की पावर माइनस 1 by माइनस 1 प्लस c. कर लोगे अब तो क्या हो गया? tan इनवर्स x प्लस 1 बाय t क्या था तुम्हारा? x स्क्वायर प्लस 1. आठवा और दसवा भी कोई पूछ रहा है? अबे एट्थ तो यार कराया ना मैंने, एट्थ के जैसा तो क्वेश्चन कराया तुम्हें क्लास में. हाँ? वो छोड़े अभिषेक, एट्थ के जैसा क्वेश्चन तो क्लास में कराया ना, याद नहीं? 3e2x, ये पार्ट टू में नाइन्थ क्वेश्चन देख, अगर वो क्वेश्चन कर लिया तो ये क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है? कर सकते हो. और क्या था? टेंथ, टेंथ चलो टेंथ कर देते हैं. अबे एक्स की पावर माइनस 11 है, सुंदर तो लग नहीं रही है, तो उसको ले आओ नीचे. ये गया उधर, वो गया ऊपर. हो गया, न्यूमरेटर तुम्हारा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है. डाल दो. टी की वैल्यू डाल दो, क्या थी?
ओके बेटा, तुम एक बार ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 8th को क्वेश्चन नंबर 9th जो पार्ट 2 के क्वेश्चन में है, सेकंड पार्ट के 9th क्वेश्चन हमने कराया था क्लास में, वो कॉन्सेप्ट लगाओगे पक्का हो जाएगा तुमसे। नहीं हुए तो कम एंड डाउट सेशन। ओके नेक्स्ट 16th की बहुत बड़ी डिमांड है, 16th स्वीट 16, स्वीट 16 रीड्स हैज लॉट ऑफ डिमांड्स हैज लॉट ऑफ आईज। कितने लोग, तुम लोग 16 साल के हो गए हो, कोई है यहाँ पे 16 साल से नीचे? हो गए क्या 16 साल के? कब के? 10 साल हो गए मेरे को लग रहा है, ऐसे बोल रहे तू। 18 का हो गया, क्या बात है, अब तो तू वोट कर सकता है। अबाउट टू टर्न 18, ओहो गुड गुड। कोई 18 के ऊपर भी है क्या? बाप रे, 18 के ऊपर ही, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो सब लोगों के स्वीट 16 सेलिब्रेट हो चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं ना, तो क्या किया मैंने, ये किया मैंने, आपके सामने है। तो क्या था, देखो ऐसा तो लिख रहा था कि x की पावर हाफ और x की पावर 3/2, दो चीजें दे रखी हैं। तो x की पावर हाफ को हमने ले लिया बाहर, बाहर लिया तो क्या बचा, 1+x, ठीक है ना। अगर इस x को x की पावर 3/2 भी अगर बाहर ले लेते तो भी काम बन जाता, तो भी काम बन जाता बेटा। तुम लोगों को याद होगा मैंने एक क्वेश्चन कराया था, क्या कराया था मैंने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन याद है, 24th ही कराया था मैंने, 24th। कितने लोगों को याद है मैंने कराया था, कितने लोगों को याद है? याद है ना। तो देखो इसको करने का तरीका क्या था, पूरे हमने क्या किया था इसमें, एक्स क्यूब को बाहर ले लिया था, पूरा एक्स क्यूब बाहर ले लिया था,
एक्चुअली ये लिखा गया है, इसको मैं और पीछे इसको थोड़ा और ऐसे लिख दूं तो क्या लिखा है, x की पावर 4 माइनस x, एक्चुअली ये लिखा हुआ है। फिर हमने x को ले लिया बाहर तो a बन गया ये, फिर x क्यूब बाहर लिया था हमने तो अंदर बचा था 1 माइनस 1 बाई x क्यूब। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, इसको भी मैं कैसे कर सकता था अभी, जैसे एक तरीका मेरे दिमाग में आया मैंने कर दिया, बट दूसरा तरीका क्या है, सी पूरा भार ले लो, अंदर से पूरा भार ले लो कि 1 प्लस समथिंग ऐसे बन जाए, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन जाए। तो मैं x की पावर 3/2 भार ले लूं अगर, तो क्या बचेगा, x की पावर 3/2 अगर भार ले लूं तो ये बचेगा तुम्हारा, नहीं ये ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा, ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है बेटा, नॉट द सेम वन, आपको ऐसे हैंडल करना है। कैसे हैंडल किया ये देख लो, ये नया क्वेश्चन आ गया, इसको अपनी, अच्छा एक बढ़िया चीज थी मेरे को किसी ने बताई थी और मैं अभी बताते रहता हूँ पर मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो मैंने क्या बताया था, ये चीज मैंने बताई थी पहले भी पर बाद में तो कभी तुम्हें बताया नहीं, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ कि ये dx अपॉन x की पावर हाफ प्लस x की पावर 3/2 है ना, तो क्या है आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे इंटीग्रेशन में, कि जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो क्या करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करना चाहिए, ऐसा हो तो क्या करना चाहिए और ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। तो मैंने चार केसेस अभी बताया आपको, ठीक है, आई होप आपको चारों केस समझ में आए होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटी सी बुकलेट मेंटेन करो इंटीग्रेशन के लिए, उसको रेगुलरली रिवाइज करना है। उसमें क्या करना है, उसमें बस ये लिखना है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डालने हैं उसके अंदर, क्या करना है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। चाहो तो आप अपनी नोट्स कॉपी को भी वैसे ही कर लो, नोट्स कॉपी को भी वैसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स कॉपी में स्टार मार्क कर दिया जो भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, लाइक दिस इज अ न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यू आर सीइंग, दिस इज अ न्यू ट्रिक यू आर सीइंग, टू पुट अ गुड प्यारा सा स्टार मार्क, ना कैसा स्टार मार्क मैं दिखा देता हूँ ना, ऐसा ऐसा, बाप रे बहुत बड़ा हो गया तो, उप्स, ठीक है ना, समझ रहे होंगे मेरी बात को। ओके तो ये टेक्नोलॉजी मेरे पास है, आप लोगों के पास पेन है ना आपके, वैसे कर देना। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बताऊंगा बट ऑफ कोर्स, बट आप लोग भी अपनी तरफ से एनालाइज करते रहो, क्योंकि मेरा एनालिसिस और आपके एनालिसिस में गैप है, मेरा एनालिसिस एकदम डीप में जाता है, आपका एनालिसिस ऊपर ऊपर से होता है, बट मेरा एनालिसिस, that was not the reason, my analysis will be based upon my perception, your analysis will be based upon your perception, you know better yourself than me and god knows better you than you yourself, okay, to bhagwan to aapko ja ke star mark ki buddhi denge par hamesha nahi, thoda tumko kartavya karna hai, tumhara endeavor dalna hai, theek hai, god helps those who helps themselves, so put your endeavor, keep analyzing, analyze karte raho, khud ko self evaluate karte raho, wohi meri hamesha se tumhe advice hai। और कुछ लोग मुझसे बात करना चाहते थे, यस, सो टुडे आज ट्यूजडे ना, आज तो तुम्हारा डाउट सेशन भी है इंटरेस्टिंगली, पर आज तो हमारी क्लास भी है, बताता हूँ तुम लोगों के डाउट्स के लिए, आई विल कॉल यू वेरी सून, ठीक है बेटा। कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, चल बेटा क्वेश्चन नंबर 19 कर देते हैं। टू एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स प्लस टू, इसका करना है इंटीग्रेशन। देखो इसमें ये क्या करेंगे, ऐसे मैंने क्वेश्चन कराया था क्या,
मुझे क्यों फील आ रहा है, मैंने कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन कराया था। तो इसको बेटा क्या करोगे, अभी तुम्हें ये तो समझ नहीं आ रहा होगा क्या सब्स्टिट्यूट करें क्या सब्स्टिट्यूट नहीं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब ऐसे रूट बाहर होता है ना जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसे यू बाहर ऐसी पटका हुआ है, यू पड़ा हुआ है बस बाहर, तो पड़े हुए रूट को क्या करेंगे, जो अपना लीनियर एक्सप्रेशन है ना उसको आप सेपरेट कर सकते हो। पर कैसे सेपरेट करोगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। हमको क्या करना है, हमको जो तुम्हारा लीनियर एक्सप्रेशन है उसको इस रूट के एक्सप्रेशन के जैसा बनाना है, लीनियर एक्सप्रेशन को रूट के एक्सप्रेशन के जैसा बनाना है। तो एक्स प्लस टू बनाना है मुझे बाहर, पर बाहर ऑलरेडी 2x है, तो क्या बनाओगे, 2x+2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, +1 -1 कर सकता हूँ, तो ये आया 2x+2 -1 अंडर रूट x+2 dx। मल्टीप्लाई कर लो, 2 बाहर लोगे तो क्या आएगा, x+1, ओ नॉट x+1 सॉरी, x+2 चाहिए, तो 2x+4 बनेगा। तो 2x+4 बनाने के लिए तुम्हें +3 -3 करना पड़ेगा। माई अपॉलोजीज, +3 -3 2x+2 अंडर रूट x+2 -3 अंडर रूट x+2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ये क्या बन रहा है, x+2 की पावर 3/2, ये x+2 की पावर 1/2, लीनियर एक्सप्रेशन की पावर बन रही है। ये तो हमारे बच्चे बच्चे नहीं जानते, हमने अभी पढ़ा है, आप लोग अभी इंटीग्रेशन में बच्चे ही हैं। ओके, सी इंटीग्रेशन इज लॉट ऑफ वैरायटी, जितनी ज्यादा वैरायटी को खुद को एक्सपोज करोगे उतना ज्यादा तुम्हें फील आएगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, डरने की बात नहीं है ये, कि देखो कई बार होगा तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे इंटीग्रेशन के, तो डरना नहीं ना, वो बस इसीलिए कि कोई वैरायटी है नहीं, तो आपने देखी नहीं, नया बहुत सीखने हुए इंटीग्रेशन में, बेसिकली ये है मेन चीज, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन इंटीग्रेशन। वैरायटी बहुत है, बहुत वैरायटी है, और रिवीजन करो, करते चलो, नोट्स पढ़ते चलो, जितने लोग नोट्स रेगुलरली रिवाइज करते हैं उनको इंटीग्रेशन में कम प्रॉब्लम आएगी, जो लोग नोट्स को रद्दी में रखते हैं क्लास के बाद उनको कम समझ में आएगा, उनको कम उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। नोट्स रिवाइज करोगे तो सब होगा, क्लास के नोट्स रिवाइज करो ना, क्लास के 22। ओके, 22 में क्या है, कहाँ गया बेटा, अह या इंटीग्रेशन ऑफ 7 + 4x + 4। ओके, फैक्टराइज हो रही है ऊपर, कुछ फैक्टराइज 35,
सात और पांच से होता है। नोप नोप नोप। का करें का करें का करें का करें का करें। क्या गया? डिवाइड करेंगे ना 2x+3 से ऊपर वाले को। हाँ दैट इज इंटरेस्टिंग। या डेफिनेटली 2x+3 से ऊपर वाले को डिवाइड कर दो तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बचेगा। गुड। So I can write it as quotient divisor into quotient plus remainder two x plus three की power 3/2 okay. डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर। रुको इसको सॉल्व तो कर लो। तो 2x-1/2x+3 की पावर 3/2। अब मैं देखो वापस ऊपर से 2x+3 बना देता हूं ऊपर। कैसे? प्लस 2x+3 बनाने में ऊपर मैं क्या करूंगा? प्लस 4-4 प्लस 4-4 कर दिया। मैं इतना क्यों लिख रहा हूं? ठीक है। सो इससे क्या होगा बेटा? -1, -4, -5 हो गया। -1 और -4 3/2 नहीं 1/2 बचाना। ओ यस। तो -1, -4 क्या बचेगा? -5। नहीं नहीं सॉरी, ये हो जाएगा पूरा 2x-3। दिस हो गया 2x-3। ये पूरा ना, ये पूरा 2x-3 2x+3 और ये भी 2x+3 की पावर हाफ और ये आया -4/2x+3 की पावर हाफ और ये आया 10/2x+3 की पावर 3/2। ओके। डिवीजन में एक्स स्क्वायर होगा ना नीचे। क्यों एक्स स्क्वायर क्यों होगा नीचे राइट में?
अरे कचरा कर दिया। डैमिट डैमिट। वापस करते हैं। टू एक्स प्लस थ्री से डिवाइड करना था। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? फाइव बाई टू से, फाइव एक्स बाई टू से। अरे सिंथेटिक डिवीजन करते तो फटाफट होता, चलेगा ये भी चलेगा। तुम लोग सोच पाओगे ऐसा चीजें? या पहले मैं कर लेता हूँ। थैंक यू। क्या आएगा? फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 15x बाय 2। फोर माइनस 15x बाय 2 होता है माइनस 7x बाय 2 प्लस 7। नाउ आई वॉन्ट माइनस 7 बाय 2 से मल्टीप्लाई, नहीं 7 बाय 4, तो आएगा माइनस 7x बाय 2 माइनस 21 बाय 4।
तुम लोगों को दिखाई दे रहा है या थोड़ा सा एक्सपैंड करूं? पक्का क्लियर दिख रहा है या बहुत कंप्रेस हो गया फॉन्ट? दिख रहा है, ओके भाई। चीजें सिंपल थी, कंसंट्रेशन की जरूरत थी मुझे, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप थोड़ी गड़बड़ करोगे और चीजें इधर की उधर हो जाती हैं। दैट्स व्हाई आई वांटेड कंसंट्रेशन टू सॉल्व। ओके एनीवेज, प्रिंसिपल सेम, हमने 2x+3 से डिवाइड किया था, तो 2x+3 से डिवाइड किया है किसको? न्यूमरेटर को। तो बेटा पहली बात तो ये समझो, 2x+3 से डिवाइड ये नहीं कर रहे अपॉन 2x+3 कर रहे हैं, नहीं बेटा ये नहीं कर रहे ना, हम डिविडेंड को फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइड करने का ये मतलब नहीं हुआ कि तुम एक्चुअली डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, बस एक्सपैंड किया है उसको। तो 2x+3 से ये डिवाइड किया है किसको? 5x2+4x+7 को। तो चेक कर लो अगर मेरी कोई मिस्टेक हो तो, आई डोंट थिंक सो, होनी चाहिए, बड़ा ही मैंने दिमाग लगा के किया था। 2 to 5x2 15x/2 कट गया, 4 -15 में स्टिल आई एम चेकिंग, रीचेकिंग। फिर -7/4 से किया, या इट्स ऑल राइट, सो दिस डिविजन इज करेक्ट। तो डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख दिया। फिर क्या किया? केपी लगा दिया अपन ने, केपी, ओके। केपी लगाने के बाद हमने क्या किया? 5x-4। अब देखो इसको क्या किया है, इसको देख के कंफ्यूज ना होना। हाँ, यहाँ पे हमारा एक चीज रह गई, मैं उसको डाल देता हूँ। ये मैंने इसको इतना कंसंट्रेशन से गया था तब भी गड़बड़ हो गई। इसको सॉल्व करते तो तुम्हारा आता 10x-7, मैंने 5x-14 लिख दिया। एनीवेज अब टूटेंगे तो 2x+3 और 2x+3 क्या 3/2, ये 2x+3 के बाद हाफ बचेगी। कितना ज्यादा मिटता है, चलो अच्छा है। आई विल अगेन वॉक थ्रू द सॉल्यूशन। तो ये बनता तुम्हारा 10x-7 बन रहा था और नीचे आ रहा था 1/4, 1/4 आ रहा है नीचे। हाँ, सब कचरा हो गया वापस। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ रहे हो तुम लोग, अगले डाउट्स भी हैं। हाँ वही कंसेप्ट समझ गया ना, तुम लोग को ट्राई कर लोगे सॉल्यूशन इज, दिस इज अगेन कचरा हो जाएगा इसका, कर लोगे पक्का, वरना आई विल डू इट इन डाउट सेशन। डाउट सेशन में आई विल पुट द सॉल्यूशन समवेयर, ठीक है। हाँ 23 करते हैं। हाँ एक्चुअली इंटीग्रेशन करते हैं, यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस। अभी पैनल से भी बहुत हीट आ रही है। तभी इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है, यू जस्ट नीड पेशेंस। ओके सबसे पहले 22 आया, ओके 22, अबे 22 कर दिया ना घरे, वही चल रहा था। 23 इंटीग्रेशन ऑफ x²√9-x^6 dx, ओके। नाउ दिस इज आल्सो क्लासिकल क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें डायरेक्टली ऐसे सब्स्टिट्यूशन नहीं होने वाले, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन होंगे तो देखो किस तरीके से होंगे। अरे ये भी क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पहले दे दिया उन्होंने। बेटा देखो यहाँ पे क्या करोगे तुम, ऊपर क्या दिख रहा है x² और नीचे दिख रहा है x^6, तो x^6 और x² के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है ना, कुछ रिलेशन दिख रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट करके x² कभी नहीं मिलने वाला। x^6 को डिफ्रेंशिएट करो, x² कभी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा, हम
x की पावर 6 को देखें तो x क्यूब का स्क्वायर जरूर लिख सकते हैं। यहां हम x क्यूब क्या कर सकते हैं, x की पावर 6 को x क्यूब का स्क्वायर जरूर लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं x क्यूब इक्वल्स टू t, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दिस इज ऑसम राइट, दिस आई कैन डू विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेटा ये देखो क्या बन गया तुम्हारा, x स्क्वायर dx हो गया तुम्हारा dt बाय 3 अंडर रूट 9 को लिख दो 3 स्क्वायर, और x की पावर 6 क्या है t स्क्वायर। ओके, तो ये आपका ऐसे रिड्यूस हो गया। अब मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था ये क्या, इन्होंने क्वेश्चन पहले डाल दिया, पहले नहीं तुम अभी भी इसको सॉल्व कर सकते थे अगर मैं तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं बताता, स्टिल यू कुड हैव डन इट, यू नो टी को तुम रखते 3 साइन थीटा है ना, ऐसे करके कर सकते थे, बट क्योंकि अभी हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है, साइन इनवर्स टी बाय 3 प्लस सी, क्योंकि अभी आपको फॉर्मूले पता है तो यू कैन डायरेक्टली डू इट राइट। ये 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख सकते हो तुम लोगों के नोट्स हमने अगर बनाए होंगे ठीक से तो लास्ट क्लास में हमने इसका प्रूफ भी किया था राइट। सो टी डाल दो वापस, क्या है टी, क्या एक्स क्यूब, यहां कोफिशिएंट डिवाइड भी करने का ना, किसका कोफिशिएंट तुम डिवाइड करने की सोच रहे हो बेटा, एक्स स्क्वायर का, एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट 1 है, टी का कोफिशिएंट 1 है, किसका कोफिशिएंट डिवाइड करोगे बेटा, टी बाय 3, टी बाय 3 प्लीज लुक एट दैट फॉर्मूला विच आई हैव गिवन यू इन लास्ट क्लास, अंडर रूट 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका क्या था, प्लीज चेक योर नोट्स, नहीं कुछ क्वेश्चन में किया था, वो तब करते हैं जब x का कुछ कोफिशियंट है बेटा, यहाँ पे x का कुछ कोफिशियंट दिख रहा है, t का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे 1 है ना, ये 3 वो वाला डिवाइड डिविजन नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज माय फ्रेंड्स, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज नॉट दैट वाला जो fx, दिस इज नॉट दिस, ये नहीं कर रहे, इसका इंटीग्रेशन ये वाला नहीं है, ये किसने देर बोला ये है, ये चीज है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये ए वो वाला है, क्लियर है ये चीज, दिस इज दिस, प्लीज रिवाइज नोट्स डेली, अभी तक आपने जैसा हो सकता है एटीट्यूड रखा होगा, क्या रखा होगा एटीट्यूड कि ना भाई क्लास में तो एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है, चलो क्वेश्चन उठा के चालू हो जाएं, क्वेश्चन उठा के चालू भी हो गए और हो भी रहे क्वेश्चन, वेरी गुड, बट अब वो एटीट्यूड काम नहीं आएगा, वो एटीट्यूड बिल्कुल काम नहीं आएगा, इंटीग्रेशन में नई चीजें बहुत मिलने वाली हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। 3 भार आएगा ना, कहां भार आएगा, ये x बाय a का फॉर्मेट है ना, थ्री स्क्वायर कॉमन लिया नीचे से, ठीक है यार तूने 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया, चल तेरी बात भी मान लेते हैं, मतलब तू बोलेगा कि उसके बाद यही आने वाला है, मैं देखो दिखा देता हूँ, चल तूने 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया, गुड कर ले, तेरी भी बात मान ले, तो ये आएगा डी टी बाय, तो 3 बार आएगा ले 9 आ गया, अंडर रूट 1 माइनस क्या आएगा तेरा टी बाय 3 का स्क्वायर, अब तू क्या करेगा, अब तो इसको लिखेगा 1 बाय 9 साइन इनवर्स टी बाय 3
बट अब तेरा टी का कोफिशिएंट है 1/3, तो 1/3 से डिवाइड कर ले। संतुष्ट? मतलब तूने अपना फॉर्म मेरे फॉर्म पे सुपर इंपोज कर रहा है, ये भी तो सोच मैं क्या कर रहा हूं, समझ गए ना? ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करो अननेसेसरीली, चीजें रटो मत। अरे उस क्वेश्चन में ऐसा किया तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा होना चाहिए। नो, सी लॉजिकली एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। जब तक ये आइडेंटिटी का अपना फॉर्मेट है, ये आइडेंटिटी का अपना फॉर्मेट है, डोंट गेट कंफ्यूज। नो माई फ्रेंड्स, डोंट गेट कंफ्यूज। रिवाइज योर नोट्स डेली। आपने क्या किया? मैंने डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाई ना, ये वाली अंडर रूट 1/a² - x², सीधे ही चाहिए लगा दी। नो इफ नो बट, सिर्फ साइन इनवर्स x बाय ए। तू गलत नहीं है, तू गलत नहीं है, पर तू इनकम्प्लीट है, समझा? गलत नहीं किया आपने, आपका इनकम्प्लीट रह गया सॉल्यूशन। अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो तुम जो चीज बोल रहे थे वो तुमने की नहीं, बस समझ रहे हो ना? बहुत ही क्लियरली करो, सब कुछ सही सही होएगा। एक क्वेश्चन करने का एक तरीका नहीं है, मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है जी? और कोई डाउट? बताओ बताओ, डालते रहो चैट बॉक्स पे। 3.2a डिस्कस होने वाली है आज पूरी, 4, 6, 10। आई थिंक तुम लोगों को मैं और प्रैक्टिस करानी चाहिए, तुमको और अच्छे से प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, चलेगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। 1/sin(x cos x) + 2 cos x, ठीक है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, लेट अस सी। ओके, कॉस एक्स अगर कॉमन ले भी लें तो क्या कुछ फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। यस, किससे? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। या गुड, ओके। तो ये चीज तुम्हें बताना जरूरी है। सो गाइस, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये एक मेथोडोलॉजी है जहां पे हम क्या करते हैं बार बार, व्हाट डू यू डू, कुछ आपके पास साइन कॉस के टर्म्स हैं, टैन के भी टर्म्स हैं, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू अगेन एंड अगेन, यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट इन रिटर्न सच अ वे कि ऊपर आपके पास x² मिल जाए, ऊपर आपको किसी ना किसी तरह x² dx मिल जाए, ठीक है?
नीचे tan x है और नीचे tan x है, और tan x कहीं भी हो सकता है, tan x की डजेंट मैटर। अभी और भी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे हम ये चीज़ करेंगे। अभी तो क्या है इस फॉर्मेट में कि हम लोग tan x को हम सॉल्व कर पाते हैं, आगे भी सॉल्व कर पाएंगे पर थोड़े डिफरेंट भी मिलेंगे, बट मेन हमारा जो मोटिव है वो क्या है, किसी तरह हम sec square x dx बना रहे हैं। तो यस डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर वन जो हमने किया था उसमें हमने ऐसा किया था, और फाइनली क्वेश्चन नंबर एट जो आप देख रहे हो उसमें भी हाँ ये चीज हम करने वाले हैं। cos square x से ऊपर नीचे डिवाइड किए, यस, तो ये आ गया sec square x। इधर cos square x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, tan x plus 2, ठीक है, वी हैव डिवाइडेड ऊपर नीचे बाय cos square x। सबको समझ में आती है ये बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजी है कि आप अगेन एंड अगेन यू ट्राई टू मेक इट इन सच अ वे। अच्छा ये चीज, अब क्वेश्चन आता है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ यूज करना है, ये चीज है कि कहाँ यूज करना है। तो बेसिकली देखो यार, यूज तो तुम तभी करोगे जहां तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे होंगे। अभी तक मैंने तुमको जितना मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया जिनके इंटीग्रेशन हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, तो वो फॉर्मेट्स से अगर कोई अलग फॉर्मेट आ रहा है, बेसिकली ये फॉर्मेट का आपको ज्यादा यूज कब दिखेगा, जब आपका साइन और कॉस का टर्म है ना, साइन और कॉस का टर्म मल्टीप्लीकेशन में। आप देखोगे यहां भी साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में था, ठीक है, और यहां भी साइन एक्स कॉस एक्स का टर्म मल्टीप्लीकेशन में था, और वो भी कहां था, डिनोमिनेटर में। जब भी डिनोमिनेटर में ये चीजें हो रही हैं तो आपको इसको ऐसे केयरफुली हैंडल कर लेना है। ओके, और इसके बाद तो आसान है, टेन एक्स प्लस टू को मान लो टी, तो बन गया ये sec square x dx equals to dt, integration of dt by t। आप तो कर सकते हो आगे, ठीक है, सिक्स्थ, ओके ओके, हर्षल ने बताया टेन एक्स को आप साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख दें, कॉस एक्स ऊपर जाएगा, फिर ए प्लस बी वाला फंडा, या दैट इज वन थिंग। एक और है मेरे पास, अच्छा नहीं वो दूसरी जगह यूज आएगा, यस वो दूसरी जगह यूज आएगा, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, यस ट्रू, वेरी ट्रू, ऐसे किया जा सकता है। बेसिकली इसको उठा के आप लिख दो 2 + 3 साइन एक्स बाय कॉस एक्स डीएक्स, तो आ गया बेटा कॉस एक्स अपॉन 2 cos x + 3 साइन एक्स डीएक्स। अब क्या लिख देना इसको, न्यूमरेटर को लिख देना है a इंटू 2 cos x + 3 साइन एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर -2 sin x + 3 cos x।
कर लोगे आगे? गुड, ए और बी निकालना हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, वही सेवेंथ तो मैंने क्लास में कराया है, सेवेंथ तो सिंपल वही है, यही फॉर्मेट में भाई, यही फॉर्मेट करना है सेवेंथ। देख क्लियरली बता रहे बेटा, ये तुमने रिवाइज नहीं किया नोट्स क्लास के, क्लास के आने वाले क्वेश्चंस तुम लोग पूछ रहे हो, क्लियरली बता दो, नोट्स नहीं बना रहे। टेंथ, कॉस की पावर एट एक्स इंटू कॉट एक्स, तो बेटा डेफिनेटली अगर तुम देखो, लो भैया हर्षल ने अपने को बता भी दिया आंसर, कॉस की पावर एट एक्स इंटू कॉट एक्स दिया है, ठीक है बेटा। सो व्हाट यू कैन डू, सी कॉट एक्स तो एकदम ऑकवर्ड है, और चीज दिख रही है, तो इसको लिख सकते हो ठीक है। अब भाई भाई देखो, तुम साइन एक्स को टी रख दो, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स आएगा डी टी। सो अब देखो तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई कॉस की पावर एट एक्स का क्या करेंगे, फिर इसको तुम लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स की पावर फोर, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस टी स्क्वायर की पावर फोर हो जाएगी, क्योंकि टी साइन, टी साइन एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos x dx is dt, खोल लो इसको। ठीक है, तो आसान है ना क्वेश्चन, ऐसा लगता तो ही ना कि किसी को सर ये बहुत डिफिकल्ट सोचा आपने, ऐसा दिमाग में तो आ ही नहीं सकता था। हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस किए हैं, आपको कैसे लग रहे हैं? शायद कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें नई चीज होगी, बट वो नई चीज भी सोचने लायक है या नहीं है, कैसी फीलिंग आ रही है आपको कि सोच सकते हो या नहीं सोच सकते, बताओ हाउ डू यू फील? क्वेश्चंस को देखने के बाद क्या सोचा जा सकता है या नहीं सोचा जा सकता है? खैर अभी हमारे लिए नया है, अगर नेक्स्ट टाइम हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो क्या हम उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हाँ जनता, अपना मत दीजिए चैट बॉक्स में, आपके फेस एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे मुझे। नो डाउट यू नीड प्रैक्टिस, डेफिनेटली यू नीड प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस तो जिंदगी में कुछ किया जा ही नहीं सकता, प्रैक्टिस के बिना तो बेटा तुम्हारा साइकिल भी नहीं चला पाए थे। कितने लोगों को साइकिल नहीं आती है? एनीवन हु डजंट नो हाउ टू राइड अ साइकिल? सबको आती है, तो साइकिल भी स्टार्ट की थी तो कितनी बार गिरे थे, एक दो बार, तीन चार बार, दस बार, पर प्रैक्टिस तक सीख लिया ना, बैलेंसिंग इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। सो ये भी कर लोगे, हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ, फेथ इज इंपॉर्टेंट,
बट सिर्फ फेथ नहीं, एंडेवर भी, फेथ विद एंडेवर, एंडेवर डन विद फेथ, मार्क माय वर्ड्स, दिस इज फॉर्मूला। भगवद गीता में चैप्टर 17, दीपक सर वॉज शेयरिंग विद मी दिस थिंग दैट वट एवर यू डू, अगर आप श्रद्धा से कोई चीज करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, पर अगर श्रद्धा के साथ कोई चीज नहीं कर रहे, मतलब विदाउट श्रद्धा इफ यू आर डूइंग टू डू समथिंग, देन यू वोंट गेट रिजल्ट्स। सो एंडेवर विद फेथ, दिस इज Endeavor with faith is very very important. Endeavor क्या है वो तो तुम्हें पता है, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारा ही काम है Endeavor डालना। Faith, faith तुम्हारा बढ़ सकता है कई सारे sources से, external internal both। तो श्रद्धा होनी चाहिए, हाँ यार मुझसे हो जाएगा, और Endeavor डालते रहना चाहिए तो हो जाएगा, result मिलेगा। पर केवल ये या फिर केवल ये से काम नहीं चलेगा, केवल एंडेवर डालते रहोगे और ये फेथ नहीं है कि होगा या नहीं, तो आप हमेशा डाउट में रहोगे, तो डेफिनेटली आप अपने रिजल्ट तक कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। और सिर्फ फेथ रखोगे, अबे हो जाएगा यार तो चिंता मत कर, हो जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा ना, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, ट्वेल्थ, कॉस की पावर 7x, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, कॉस की पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अगर ऐसा लिख दूं, ओके कॉस की पावर 9, बेटा इससे तो गड़बड़ होगी क्योंकि साइन की ऑड पावर आ रही है, फिर से साइन एक्स और टी मान ले, सही बात है वैसे ही होने वाले है, गुड। इसको वापस ऐसे लिख लो ये लिख सकते हो 1 - sin²x³, तो बेटा cos x equals to t मानो, सॉरी cos x नहीं sin x को t मान लो। अब तुम पूछोगे सर sin x है का, नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल ना, दिस इज ट्रांसेंडेंटल, sin x कहीं है नहीं पर हमने मान लिया है, यहाँ पे है साइन एक्स, बट इनिशियली दिख नहीं रहा था, हम लेके आए,
ओके क्लियर सबको आगे हो जाएगा और कोई प्रश्न हो गए सबके डाउट्स थर्टींथ टैन 3x इंटू टैन 2x इंटू टैन एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है फॉर्मूला है वो मुझे क्योंकि याद आता है कुछ तो होता है ना tan tan x plus tan 2x plus tan 3 हाँ वही 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 चीज करेक्ट करेक्ट ये ट्रिगो में तुमने पढ़ा होगा इसका प्रूफ तो मुझे पता नहीं करके देखना पड़ेगा तो प्रूफ किया जा सकता है उसमें समाओ एंगल 180 डिग्री होता है क्या हाँ शायद करके देख लेते हैं tan 3x को अगर मैं लिखूं तो tan a प्लस भी क्या आएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b हाँ अब क्या करते हैं हम इसको उठा के क्या करते हैं इसके बाद क्या करते हैं बेटा बताओ tan 2x plus x को खोलो सिर्फ उससे फॉर्मूला बनेगा हाँ 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 याद आया यस 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 tan 2x plus x इसको उठा के उधर ले जाओ तो दिस विल बिकम एक्चुअली tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इसको उठा के इधर ले आओ क्या आ गया बेटा tan x tan 2x tan 3x तो ये चीज ओहो ये चीज पूरी ऐसे लिख देनी थी हो जाता ब्लू टोन आया वीडियो में वाह इंक बदलनी पड़ेगी शायद
तुम सब लोगों को अकेडमी आ जाना चाहिए, मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा। एक कॉमन फोरम बना देते हैं, उससे बड़ा आसानी होगी। 1 सितंबर से कोचिंग को परमिशन दे दी है, अभी कोचिंग को परमिशन दे दी है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तुमको कोरोना हो गया तो, और सबको और कर दिया तो, जब तक वैक्सीन नहीं लग जाएगी ना तुम्हारे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ बेटा तुमको पढ़ाने पालन पोस के है ना, पाल पोस के यही काम है। अब हम लोग हैं, हाँ सर बोले कोई मर गया तो मेरे बंदे हो जाएंगे। सही बात है यार, इट्स राइट, नॉट अ जोक। अरे बेटा 3 बज गए, हाय राम, ओए बाय बाय, तो क्लास 11th आ गई होगी, मैं भूल गया था, मैं तभी देखा ये हर्षल कहाँ से आ गया। एक और हर्षल है हमारा 11th का, ये आ गया। तीन बजे बेटा, 3:08 हो गए।